और अब भगवान श्री राम की वंशावली का विश्लेषण। सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों अयोध्या मामले की सुनवाई चल रही है। इसी सुनवाई के बीच 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के वकील से एक बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा कि क्या भगवान श्री राम का कोई वंशज इस समय अयोध्या या दुनिया में मौजूद है। इस पर रामलला के वकील ने जवाब दिया कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं। लेकिन आज हमने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। आज हमने भगवान राम के वंश पर एक दिलचस्प विश्लेषण आपके लिए तैयार किया है। भगवान श्री राम को भारतीय संस्कृति की आत्मा कहा जा सकता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में वो सभी आदर्श और मूल्य समाहित हैं जिनकी वजह से भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया है। भगवान राम के पूर्वजों और वंशजों को सूर्यवंशी क्षत्रिय माना जाता है। भारत में मुख्य रूप से क्षत्रियों के दो वंश माने जाते हैं, सूर्यवंशी क्षत्रिय और चंद्रवंशी क्षत्रिय। इन दोनों क्षत्रिय वंशों ने लंबे समय तक भारत पर राज किया। रामायण और महाभारत भारत के दो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। रामायण सूर्यवंशी क्षत्रियों का इतिहास है और महाभारत चंद्रवंशी क्षत्रियों का इतिहास है। भगवान राम सूर्यवंशी थे, लेकिन राजा भरत और उनके वंशज पांडव और कौरव चंद्रवंशी थे। प्रसिद्ध ग्रंथ श्री रामचरित मानस में भगवान राम के वंश को बार बार रघुकुल कहा गया है। रघुकुल का अर्थ है राजा रघु का परिवार। इसी परिवार में राजा दशरथ के पुत्र राजा राम हुए। रामचरित मानस की एक बहुत प्रसिद्ध चौपाई है जो आपने भी कई बार सुनी होगी, गाई भी होगी। इस चौपाई में भगवान राम के वंश के गुणों का वर्णन है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। आपने सुना होगा। इस चौपाई का मतलब है राजा रघु के परिवार में वचन को किसी भी तरह पूरा किए जाने की परंपरा है, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। यानी वचन का मूल्य प्राणों से भी बढ़कर है। महाकवि तुलसीदास का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है रघुवंशम। इस ग्रंथ का नाम भगवान श्री राम के वंश रघुवंश के नाम पर रखा गया। इसमें भगवान राम और उनके पूर्वज राजा दिलीप, राजा रघु, राजा अज और राजा दशरथ का इतिहास है। सुप्रीम कोर्ट में भगवान श्री राम के वंशजों का सवाल उठने के बाद राजस्थान के कई राज परिवारों ने यह दावा किया है कि वो भगवान श्री राम के वंशज हैं। जयपुर राजघराने के एक सदस्य ने भगवान श्री राम के वंशज होने का दावा किया है। सबूत तीन सौ पीढ़ियों का एक चार्ट पेश किया है। ये चार्ट आज हमारे पास भी है। इस चार्ट के पहले पेज के आखिर में 60वें नंबर पर राजा रघु का नाम है। इसके बाद राजा अज, राजा दशरथ और फिर राजा राम का नाम है। आपकी स्क्रीन पर हम आपको और बड़ी स्क्रीन पर इसको दिखाने की कोशिश करते हैं, आप इस चार्ट को देख पाएंगे। ये वो चार्ट है और अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मेरे हाथ में भी अभी ये चार्ट है तो मैं आपको पढ़कर बता सकता हूं। इसमें 60वें नंबर पर अगर आप देखेंगे तो 60वें नंबर पर है रघु, 61 नंबर पर है अज, 62 नंबर पर दशरथ, 63 नंबर पर श्रीराम और 64 नंबर पर कुश लिखा हुआ है। ये वो चार्ट है जो अभी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे थे। महाराणा प्रताप के सिसोदिया राज परिवार के वंशजों ने भी खुद को भगवान श्रीराम का वंशज बताया है। आज हमने राज परिवारों के इन दावों पर एक ज्ञानवर्धक वीडियो विश्लेषण तैयार किया है जो आप सबको कुछ नया भी बताएगा और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद भी आएगा। राजस्थान को राजाओं की धरती कहा जाता है, लेकिन आजकल पूरे देश में राजस्थान के उन राज परिवारों की चर्चा है जो खुद को भगवान राम के वंशज होने का दावा कर रहे हैं। सबसे पहला दावा किया है जयपुर के कछवाहा राजघराने से जुड़ी राजकुमारी दिया कुमारी ने। कछवाहा वंश के राजाओं का नाम इतिहास में दर्ज है। विशेष रूप से 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच मुगल बादशाहों के सहयोगियों के रूप में इन राजाओं का जिक्र बार बार आता है। जयपुर का कछवाहा वंश लंबे समय से ये दावा करता रहा है कि वो भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। लेकिन इस बार इसी राजघराने से जुड़ी दिया कुमारी ने दावा किया है कि वो भगवान राम के वंश की 310वीं पीढ़ी से हैं। मैंने मेरी ट्वीट में भी कहा
कि हमारा परिवार भी कुछ से हम लोग हमारी वंशावली को ट्रेस करते हैं कि श्री राम जी के जो बेटे थे कुछ हम लोग वहां से हमारी पूरी वंशावली है उसको वहां से हम लोग ले रहे हैं। और मैंने तो बचपन से सुना है, ये बहुत नई बात मेरे लिए नहीं है। और जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्वेश्चन डाला कि उनके कौन है डिसेंडेंट्स, तो मेरे अंदर से आवाज निकली कि भाई हम भी हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि हमारे अलावा और भी हैं बहुत सारे, पूरे वर्ल्ड में हैं उनके डिसेंडेंट्स, और बहुत प्राउड चीज है ये। और इसमें पॉलिटिकल हमें बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। अगर कोई और भी अपने आप को डिसेंडेंट कहता है तो बहुत अच्छी बात है ये। कछवाहा वंश के पास एक पत्रावली है जिसमें भगवान राम के पूर्वजों और वंशजों की पूरी एक लिस्ट है। इसके अलावा उनके पास 9 दस्तावेज और 2 नक्शे हैं। इस राज परिवार का दावा है कि अयोध्या के जयसिंहपुरा और राम जन्मस्थान कछवाहा वंश के ही राजा सवाई जयसिंह द्वितीय के अधिकार में थे। बहुत जल्दी बनना चाहिए क्योंकि ये तो अगर वहाँ पर जैसे राम जी का जन्म हुआ है तो ये बहुत ही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट भूमि है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और वो तो मैं उस काम में तो देरी होनी ही नहीं चाहिए। तो फिर क्या इसके लिए दस्तावेज आपकी ओर से कोर्ट को सपोर्ट किए जाएंगे या पक्षकारों को उपलब्ध करेंगे? बिल्कुल, अगर जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, लेकिन अभी तक हम लोगों ने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा और हम लोग आगे होके बिल्कुल इस लीगल कार्रवाई में नहीं पड़ना चाहते। मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राज परिवार से जुड़े महाराणा महेंद्र सिंह के पुत्र विश्वराज सिंह ने भी दावा किया है कि उनका वंश भगवान श्री राम के वंश से जुड़ा है। मुगल बादशाह बाबर से खानवा का युद्ध लड़ने वाले राणा संग्राम सिंह और अकबर के हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ने वाले महाराणा प्रताप भी सिसोदिया वंश के महाराजा थे। सिसोदिया राज परिवार के वंशज विश्वराज सिंह का दावा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट उनसे श्री राम के वंशज होने के दस्तावेज मांगेगी तो उन्हें जरूर मुहैया करवाएंगे। अगर उनसे जरूरत है, आवश्यकता है इनको कोर्ट के काम में, तो हमारे पास में नोटिस आएगा। आज तक तो हमारे पास में जो समाचार हैं वो सिर्फ आप मीडिया के जरिए ही पता पड़ी हैं, और उसके लिए तो मेरा कहना है कि भाई सबके लिए आप भी कहें हमें देखना है तो देख लीजिए आप, उसमें कोई ना थोड़े कोई छिपी बात तो है नहीं। और जो आस्था और विश्वास की बात है उस हिसाब से तो मैं इस कुल का हूं और उसमें कोई सवाल नहीं उठता किसी और की दखल करने का। जयपुर से मनोज माथुर और अयोध्या से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।